पोको M2 प्रो आप लोगों को सिर्फ 11,700 रुपये में मिल रहा हो, क्या आप लोग ले लोगे? हाँ गाइज, पोको M2 प्रो जो वो हमें सिर्फ 11,699 रुपये में मिल रहा है। इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ, इसके प्रोज एंड कॉन्स की, आप लोगों को कितने सही फ़ोन मिल जा रहा है इतने कम प्राइस में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और आज का वीडियो स्टार्ट कर। आप लोग बोल रहे होगे कि पोको M2 प्रो जो है वो आपको 14,000 में मिलता है, 14,000 का फ़ोन 11,699 में कैसे मिल रहा है? आइए गाइस पहले हम कैलकुलेशन कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे मिलने वाला है। देखिए 14,000 का है, उसमें आपको फ्लैट 1,000 का डिस्काउंट मिलने वाला है। बिग बिलियन डेज में आपको पता है 16 अक्टूबर से चालू होने वाला है फ्लिपकार्ट में, तो 1,000 का फ्लैट डिस्काउंट वो जो आपको मिलने वाला है। तो ये फ़ोन हो जाएगा 12,999, ठीक है? तो 12,999 से आप जब SBI कार्ड के करते हो तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो 10% आप करते हो तो आपको पड़ता है 11,699 रुपीज़। तो यार 11,000 और मतलब 700 समझिए, तो लाइक इतने सस्ते में इतना बढ़िया फ़ोन हमें देखने मिल रहा है जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया जाए। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था रियलमी X3 के ऊपर बनाया था, तो वो भी आपने अभी तक नहीं देखे जाके देख सकते हैं। और मैं बात कर रहा था गाइस कि यहाँ पे ये जो फ़ोन है ये बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात यहाँ पे की हुई है, और यहाँ पे ये फ़ोन बहुत ही सही प्राइस में हमें मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिज़ाइन की मैम। तो यहाँ पे 4 कैमराज आपको पीछे देखने मिल जाते हैं, कैमराज वाइज भी फ़ोन अच्छा है, डिज़ाइन तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 6.57 6 पॉइंट समथिंग इंच का डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा आपको यहाँ पे, और ये IPS पैनल मिलता है गाइज। सेंटर पंच होल दी गई है, तो ये ब्राइटनेस में ना ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत सही है। तो डिस्प्ले यहाँ पे क्वालिटीज बहुत अच्छी आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। चिपसेट में आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G का यहाँ पे चिपसेट यूज़ किया गया, और ये बहुत पावरफुल चिपसेट है। इस प्राइस के हिसाब से आपको 720G मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे पोको दे रहा है। देन आगे बात करते हैं हम कैमराज की, तो यहाँ पे आपको कैमराज भी बहुत बढ़िया कैमरा मिल जाते हैं। यहाँ पे 4 कैमराज के साथ जो है वो हमें यहाँ पे पोको M2 प्रो मिल, कैमराज में जो मेन कैमरा है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। देन आपको अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है, डेप्थ सेंसर भी मिलता है, और माइक्रो लेंस भी आपको देखने मिल जाता है। तो 4 कैमराज आपको देखने मिल जाएंगे रियर में। सेल्फी में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है सेंटर पंच होल के साथ, तो यार कैमरा वाइज तो ये फ़ोन बहुत ही सही है। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फ़ोन के अंदर देखने मिल जाता है। तो गाइज ओवरऑल ये फ़ोन अच्छा, और जो इसका रैम वेरिएंट है जो इस प्राइस में मिल रहा है आपको 11,699 में, तो ये इसका जो रैम वेरिएंट है वो 4 GB रैम और 64 GB वाला वेरिएंट है जो आपको इतने में मिल रहा है। तो आई थिंक डेफिनेटली यार इतने प्राइस में ये फ़ोन बहुत ज़्यादा सही काम कर रहा है। आगे बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो गाइज यहाँ पे आपको मिल जाती है बहुत ही बढ़िया बैटरी, 5000 mAh की बैटरी मिलती है, आपको टाइप सी भी मिल जाता है, और 33 वोट की फास्ट चार्जिंग, लाइक इतने कम प्राइस में आपको 33 वोट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है गाइज। आई थिंक डेफिनेटली ये जो पोको M2 प्रो है ये डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। आपका प्राइस रेंज लाइक ये है तो, और 20,000 है तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं रियलमी X3, जिसमें मैंने बताया है कि बहुत ही बढ़िया डील उसमें भी आपको मिल रही है, तो आप वहाँ मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे इस प्राइस में तो यार यहाँ पे पोको M2 प्रो बहुत ही बढ़िया है। एंड गाइज यहाँ पे मैंने ऐसे बताया 33 वोट बहुत ज़्यादा जल्दी आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा, और UI में आपको एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो ये गाइज ये है पूरा पोको का M2 प्रो, जो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन मुझे मेरे हिसाब से लगा है, बिकॉज यहाँ पे इसके डिस्प्ले जो है वो बहुत सही ब्राइटनेस है, और यहाँ पे सेंटर पंच होल भी बहुत सही दिखने मिलता है, डिज़ाइन भी ठीक ठाक है, 33 वोट की फास्ट चार्जिंग है, बैटरी 5000 mAh की है, और 48 मेगापिक्सल 4 कैमरा क्वाड कैमरा मिल रहा है, सेल्फी भी बहुत। तो आई थिंक ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको डेफिनेटली इस फ़ोन के ऊपर आगे जाना चाहिए आपका प्राइस बजट इतना है तो। और मुझे कमेंट बताइए कि क्या आप लोग इस फ़ोन को कंसिडर करते हैं इस प्राइस सेगमेंट में, और डेफिनेटली मेरे से आप पूछते हैं तो यार डेफिनेटली आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं इस प्राइस में, बिकॉज इस प्राइस मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है। हाँ चिपसेट भी इतना अच्छा मिल रहा है, आई थिंक ऑलराउंडर फ़ोन है, थोड़ा डिज़ाइन में इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, बट डिज़ाइन को छोड़कर डिस्प्ले बैटरी डिज़ाइन को छोड़कर डिस्प्ले प्रोसेसर कैमरा बैटरी फास्ट चार्जिंग और सब में एकदम नंबर वन पे है। तो डिज़ाइन में मुझे इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट हाँ अब फ़ोन इस प्राइस में मिल रहा है तो आई थिंक डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब जरूर से चैनल को कर लेना, और हमें 8K 10K पहुंचना है बहुत जल्दी, तो हमें आप लोग जो जरूर सब्सक्राइब करिए और जरूर शेयर भी करिए इस वीडियो को। और मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।